मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसमें हारमोन्स भी एक फैक्टर है यूट्रस वगैरह इन सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक फुल फ्लेजेड साइंस है सैकड़ों रीजंस हो सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीसीओडी की वजह से मेंस्ट्रुअल इेगुलरिटी हो पीरियड्स कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं बीच में आ रहे हैं uh, ये सब ऐसा नहीं होता है पी एक फैक्टर है उन सैकड़ों फैक्टर्स में लेकिन बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लेकिन इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं तो अगर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है और आपको साथ साथ ये सिम्टम्स भी हैं जो मैंने पिछले सेगमेंट में बताया कि आपके वजन बढ़ रहा है या फेस पे बाल आ रहे हैं या आपके पिंपल्स आ रहे हैं या आपकी फैमिली में शुगर है या आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है अगर ये सिम्टम्स हैं तो बिना किसी सस्पेंस को बनाए आप एक गायनी कंसल्टेशन लें आप जाएं उनसे अपना सोनोग्राफ़ी सुनो, सुनो, कराएं ब्लड टेस्ट कराएं और एक एस्टेब्लिश करें डायग्नोसिस क्योंकि सिर्फ 15 से 20 परसेंट केसेज़ में पीसीओडी तो होता है बाकी केसेस में पीसीओडी नहीं होता है और फिर भी इलाज की ज़रूरत होती है तो ऐसे केसेस में अपने आप ही आप ज्यूम ना करें कि पीरियड्स पी सी ओ डी इंटरचेंजेबल टर्म्स नहीं हैं दिस इज़ ओनली वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजनस सो प्लीज़ विजिट अवैनी कॉलेज इंड गेट यूर सेल्व चेक अब